हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। एंड इन क्लास फाइव वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 13। चैप्टर 13 इज अ न्यू बिगनिंग। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अ न्यू बिगनिंग। न्यू माने होता है नई, बिगनिंग माने होता है शुरुआत। तो जो आपका चैप्टर है न्यू बिगनिंग, इसमें आप किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? न्यू बिगनिंग मतलब एक किसी चीज़ की नई शुरुआत, इसको हम इसमें बिगनिंग को पढ़ेंगे। पहले बी रेडी, इस चैप्टर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें रेडी होने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है, डू यू बिलीव डैट गर्ल्स आर एज कैपेबल एज बॉयज़? क्या आप इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि लड़कियाँ इतनी कैपेबल होती हैं जितने के बॉयज़? डू यू सी एनी डिफरेंसेस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में बॉय है या गर्ल है, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है कि कोई काम गर्ल्स को करने को मना किया जाए, बॉय को करने को दे दिया जाए? डू यू थिंक दैट वी शुड नॉट ट्रीट द गर्ल्स लेसर देन द बॉयज़? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हमें लड़कियों को लड़कों से कम ट्रीट नहीं करना चाहिए, कि ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती? तो इसी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है इसमें कुछ हो न्यू बिगनिंग में। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, ट्रिकल्ड माने होता है गिरते चले जाना, डाउन नीचे आंसू नीचे गिर रहे थे। ईवा चीक्स, ईवा के गालों से। ब्लरिंग हर आई साइड, उसकी आँखें जो कैसी हो रही थी, जैसे हम रोते हैं ना तो हमारी आँखें धुंधलाती सी आंसू निकलते हैं। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ होम, शी ड्रैग्ड माने वो आपको अपने आप को ले जा रही थी होम, घर की तरफ। नॉट वांटिंग, नहीं चाहती थी टू फेस, किसी को भी फेस करना, सामना करना। वाट एवर माइट हैपन नेक्स्ट, चाहे कोई भी होगला, किसी को भी फेस नहीं करना चाह रही थी। सी विश डैड, वो यही आशा कर रही थी। सी वाज वन ऑफ दोज बर्ड्स फ्लाइंग, कि वो एक ऐसी चिड़िया हो फ्लाइंग ओवर हेड जो ऊपर उड़ती हैं। हु हैड नो टेंशन, जिसकी कोई टेंशन नहीं होती है इन लाइफ, अपनी लाइफ में जो उड़ती रहती हैं खुशी से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इनकी लाइफ में। नो रविश एग्जाम, ना इनके कोई एग्जाम होते, नो स्कर से रिजल्ट, और ना ही कोई इसे डराने वाला रिजल्ट का डर होना होता है। पीछे से उसे आवाज़ आती ईवा ईवा, जब ये सोचती है वो आवाज़ आती ईवा ईवा। ईवा एट वंस रिकॉग्नाइज द स्मूथ लेडी, तुरंत वो एक लड़की को देखती है, पहचान लेती है। बिलोंगिंग टू द टॉपर ऑफ हर क्लास, जो उसकी क्लास की टॉपर होती है, उसका नाम होता आयरन। सी स्टॉप, ईवा रुक जाती है। आयरन वंस अगेन एक्सेल्ड इन द क्लास, एक्सेल्ड माने होता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस। फिर से आयरन ने क्लास में फर्स्ट पोजिशन लाई हुई होती है। ईवा हिड हर ओन रिजल्ट बिहाइंड हर बैक, ईवा अपने रिजल्ट को अपने पीछे, हाथ पीछे करके देख रहे हैं, यहाँ पे छुपा लेती है। बट शी कुड नॉट हाइड हर टीयर्स, लेकिन वो अपने आंसू नहीं छुपा सकती थी। आयरन सेड, आयरन कहती है, ओ माई गॉड ईवा, व्हाट आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो? आई नो इट मस्ट बी योर रिजल्ट, मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट है तुम्हारे पास। कम ऑन, शो इट टू मी, मुझे दिखाओ। ईवा रेलिक्रेंटली मैंने तो बिना मन से हैंडेड द पेपर, रिजल्ट का पेपर उसको दे देती है। इट इज़ नॉट सो बैड, ये इतने गंदे नहीं है। आयरन सेड, आयरन कहती है इतना बुरा रिजल्ट नहीं है, अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा। ईवा स्क्रीम, ईवा चिल्ला के कहती है, वाई कांट बी आई एज गुड एज यू आयरन, मैं तुम्हारी जितनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती आयरन? वेल आई एम नॉट एज गुड एज यू इन फुटबॉल, आयरन से रिप्लाई करती है प्यार से, कि मैं भी तो उतनी अच्छी नहीं हूँ एज गुड एज यू जितना तुम हो फुटबॉल में। तो मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तुम पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हो, तुम फुटबॉल में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। यू हैव अ गॉड गिवन गिफ्ट, तुम्हें गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है ईवा। यू प्ले बेटर देन एनी वन एल्स, एवरी वन एल्स, तुम किसी से भी अच्छा खेल सकती हो। इवन बेटर देन बॉयज, लड़कों से भी अच्छा तुम खेल सकती हो। आई विश समवन कुड एक्सप्लेन डैट टू माई फादर, तो ईवा कहती है मैं ये आशा करती हूँ कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, कोई मेरे पिता को ही समझाए। ईवा से टेयरफुली आंसू बहाते हुए कहती है, सी स्टार्टेड वॉकिंग टू वाटर साउथ, अपने घर की तरफ चल देती है। विशिंग द रोड वुड नेवर एंड, यही चाहती कि रोड हम कभी ख़त्म ही ना हो, उसका घर आए ही ना कभी। ईवा वाट हैड इमेजिन एग्जैक्टली हैपन इन द हाउस, ईवा इमेजिन कर लेती कि ये रिजल्ट देखिए घर में क्या होगा। और पेरेंट्स एज यूजुअल शाउटेड एट हर, उसके पिता उस पर चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे। हर फादर बैंड हर टू आवर फुटबॉल प्रैक्टिस, वो जो दो घंटे अपनी अपने पैशन अपने हॉबी की फुटबॉल प्रैक्टिस करती है, उसके पिता उसके लिए मना कर देंगे। हर फादर सैड बॉयज़ प्ले फुटबॉल, क्योंकि उसके पिता कहते हैं लड़के फुटबॉल खेलते हैं, गर्ल्स आर नॉट मीन फॉर इट, लड़कियों का इसका कोई महत्व नहीं। कंसनट्रेट ऑन योर स्टडी, तुम्हें केवल पढ़ाई करनी है। यू आर ग्राउंडेड फॉर टू मंथ्स, तुम्हें दो महीने के लिए दिया गया पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करो। ईवा कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम फुटबॉल फॉर टू मंथ्स। ईवा के मन में आ जाता है कि अब उसके पिता कम से कम दो महीने तक उसे फुटबॉल नहीं खेलने देंगे, वो कैसे उससे दूर रहेगी। कुड नॉट बियर, वो नहीं सह सकती थी थॉट, सोच को सेपरेशन माने दूर होना फ्रॉम फुटबॉल।
शी डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठने का डिसाइड करती है। टू प्रैक्टिस इन द पार्क, पार्क में प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ईवा सेट हर अलार्म एट 4 o'clock, वो अपने सुबह 4 बजे अलार्म लगा लेती है इन द मॉर्निंग। एंड वर्कड वेरी हार्ड एवरी डे, और रोज़ बहुत मेहनत करती है। सी यूज टू प्रैक्टिस सो हार्ड, वो इतनी हार्ड प्रैक्टिस करती है। डैट शी वुड स्लीप एट स्कूल, की वो स्कूल में सोती है। हर टीचर्स कॉल्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। टॉक टू देम अबाउट हर स्लीपी कंडीशन, और उसकी स्लीपी कंडीशन, सोती कंडीशन के बारे में बताते हैं। देन इट केम टू इन फादर्स माइंड, और उसके पिता के माइंड में ये बात आती है। डैट शी वाज अप टू समथिंग, कि वो कुछ तो ऐसा कर रही है। डैट नाइट, उस रात हर फादर कैप्ट हर वॉच, और हर उसके पिता उस पर नज़र रखते हैं। वेन हर अलार्म रैंग एट 4, जब उसके अलार्म 4 बजे बजता है, ही फॉलोड हर टू द पार्क, उसके पिता उसको पार्क तक फॉलो करते हैं। वाज दर प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस को देखते हैं। सो डैट वेयर्स ऑल हर स्लीप वाज गोइंग, अब उन्हें पता लगता है कि उसकी नींद सब चली कहाँ जाती है। ही टॉक टू हिमसेल्फ, उसके पिता अपने आप में सोचते हैं। ना आई विल टीच हर ए लेसन, उसके पिता सोचते हैं मैं इसे सबक सिखाऊंगा, इसे पहली बार सिखाऊंगा। वेन ईवा वेंट टू स्कूल डैट डे, जैसे ईवा उस दिन स्कूल जाती है, पोस्टर कॉट हर आई, उसकी आंखों के सामने एक पोस्टर आता है। इट वाज ए इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, ये एक इंटर स्कूल स्कूल के अंदर का फुटबॉल कंपटीशन था। फॉर ए मंथ, एक मंथ के बाद। एंड अ सिलेक्शन वन आफ्टर 10 days, और सिलेक्शन उसके लिए 10 दिन बाद होने थे। ईवा न्यू, ईवा जानती थी, दिस वाज हर ओनली चांस, उसके लिए केवल अकेला चांस है। टू प्रूव एवरीवन, सबको प्रूव करने का। हु मेड फन ऑफ हर, जो उसका मजाक बनाते हैं। एंड हर पैशन, और उसके पैशन का। सी डिसाइडेड देयर, वो वहाँ डिसाइड कर लेती है। एंड देन टू इंक्रीज हर प्रैक्टिस टाइम, अपने प्रैक्टिस टाइम को इंक्रीज करने का सोचती है। बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगली सुबह, बेन ईवा बोकअप, ईवा जब उठती है, सी फाउंड हर फुटबॉल मिसिंग, उसकी फुटबॉल से नहीं मिलती है। वाइल सी फ्रेंटिकली सर्च फॉर इट, वो बहुत उत्सुकता से उसे ढूंढती है। हर फादर होल्डिंग हर फुटबॉल, उसके पिता उसके फुटबॉल पकड़े होते हैं, स्माइलिंग विकेडली, और हल्के से मुस्करा रहे होते हैं। फ्रॉम हर हिज रूम, अपने रूम से। बट हर फादर डिड नॉट नो, लेकिन उसके पिता नहीं जानते, दैट नथिंग कैन स्टॉप हर पैशनेट पर्सन, कि वो किसी भी, जो इंसान अपने पैशन से प्यार करता है, उसको नहीं रोक सकते हैं। ईवा गॉट ए वर्क विद रबर एंड क्लोथ, वो कपड़ा और रबड़ लेती है। एंड विद नो टाइम, कुछ ही समय में, शी मेड अ रफ फुटबॉल, वो कपड़े की एक फुटबॉल बना लेती है। एंड मर्ज स्माइलिंग टू द पार्क, और पार्क चली जाती है। ईवाज फादर टेकन बैक, ईवा फादर वापस आते हैं। ही नाउ अंडरस्टूड व्हेन फुटबॉल, व्हाट फुटबॉल मीन टू हर, अब वो समझ चुके होते कि ईवा के लिए फुटबॉल का क्या मतलब है। डैट नाइट, उस रात, ही कैप्ट ऑल ईवाज थिंग बैक इन टू प्लेस, वो ईवा की जितनी चीज़ें उठा के लाते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, वो सब रख देते हैं उसकी जगह पे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वाज डर, उसको देखते हैं प्रैक्टिस। एंड ही फेल्ट, और वो फेल्ट माने फील करते हैं, प्राउड ऑन हर, उसके ऊपर प्राउड। सी प्लेड रियली वेल, वो सच में अच्छा खेलती है। ईवा सा हर फादर एंड स्माइल, उसके ईवा अपने पिता को देखते हैं, उनकी स्माइल को देखते हैं। गुड मॉर्निंग फादर, सी शर्ट रनिंग टू हिम, उसकी तरफ पापा की तरफ भागती जाती है, गुड मॉर्निंग करती है। ईवा आई एम सॉरी, उसके पिता कहते हैं, ईवा आई डिड एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूँगा। आई कुड टू स्टॉप यू, मैंने तुम्हारे लिए रोकने की कोशिश करी। बट नाउ, लेकिन अब आई अंडरस्टैंड योर लव, मैं तुम्हारे प्यार को समझ चुका हूँ फॉर फुटबॉल, फुटबॉल के लिए। आई विल फुल्ली सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू डू, जो भी तुम करोगी मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। ईवा लाफ्ड, ईवा हंसती है। एंड प्रॉमिस्ड हर फादर, अपने पिता को प्रॉमिस करती है, डेट शी विल अचीव हर ड्रीम, कि वो अपने सपने को अचीव करेगी। एंड मेक हिम प्राउड, उनको प्राउड फील कराएगी। फ्रॉम डैट डे, उस दिन से, ईवाज फादर, ईवा के जो पिता थे, हिमसेल्फ मेड हर प्रैक्टिस, खुद उसे प्रैक्टिस करवाते हैं। बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। फाइनली, अंततः, अब बिग डे केम, एक बड़ा दिन आया। सी प्लेड फुट फैंटास्टिकली, वो बहुत अच्छा खेली। एंड अलोन किक द गोल, अकेले ही गोल करे। एंड स्टॉप्ड टू, हर टीम बंदा मैच, उसकी टीम ने मैच को जीता। एंड सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, और वो उसकी टीम सिलेक्शन कंपटीशन के लिए सिलेक्टेड हो गई। तो आपने चैप्टर पढ़ा, हो कि चैप्टर आपको समझ में आएगा, इसको समझिए, एक बार अपने आप रीड करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए तो वो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।